ऐसी नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवती अमावस्या पर मेले को लेकर लगा जाम। मेले में आने जाने वाहनों की रेलम फेल बन गई है। आपको बता दें कि 2 घंटे से ट्रैफिक जाम की स्थिति है। 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। मुकलावा पुलिस मूक दर्शन बनी हुई है और अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज सोमवती अमावस्या है, ऐसे में मेले को लेकर जाम की स्थिति पैदा हो गई। रायसिंह नगर का पूरा मामला है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से लंबा जाम लगा है। 2 घंटे से ट्रैफिक जाम लगा है और मुकलावा पुलिस ने अभी तक कोई समाधान नहीं किया। मूक दर्शन बनी है पुलिस। तो सोमवती अमावस्या पर मेले को लेकर यह जाम लगा है। मेले में आने जाने वाहनों की और अधिक जानकारी के लिए विक्रम कुमार हमारे साथ रायसिंह नगर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्रम, देखिए 2 घंटे तक ये जाम लगा रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, क्या ताजा जानकारी इस मामले को लेकर अभी? बिल्कुल मैं तो अपने साथ में सड़क के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रशासन को पहले ही पता था आज अमावस्या है और तो दूसरा सोमवार भी है और वही शिवरात्रि के सावन महीने के दूसरे सोमवार को अमावस्या होने के कारण प्रशासन को यह पता भी था कि यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होगी, लेकिन उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से या मुकलावा थाना के क्षेत्र की तरफ से कोई यहाँ पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। जिस प्रकार से आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वीडियो में, जितना 3 किलोमीटर करीब लगभग लंबा जाम लगा हुआ है और वाहनों की कतार लगी है। हालांकि यहाँ पुलिस कर्मी तो मौजूद है, लेकिन जिस संख्या बल के आधार पे या जिस तरीके से यहाँ पुलिस स्टाफ मौजूद होना चाहिए था, जो जिम्मेदार यहाँ होने चाहिए थे, उसी प्रकार का कोई यहाँ अधिकारी मौके पे नहीं है। पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है और लोगों को ऊपर से गर्मी का मौसम है और चिलचिलाती धूप के अंदर जो लोग श्रद्धालु आए हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही के चलते इस तरीके का ये पूरा का पूरा लंबा जाम लगा है। बिंदु जी, विक्रम देखिए दो खास पर्व है, आज सोमवती अमावस्या है, साथ ही सावन का सोमवार है, तो ऐसे में प्रशासन को पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर प्रशासन पहले से व्यवस्था कर लेता तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल जिंदू, जिस तरीके से प्रशासन को पहले ये चीज का ध्यान था कि इतनी यहाँ पे हर ये जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़, इस क्षेत्र का ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ होने के कारण यहाँ पर आए दिन जब भी अमावस्या आती है तो यहाँ इतने हजारों की संख्या में भीड़ जुड़ती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, सावन के दूसरे सोमवार होने के कारण और दूसरा अमावस्या होने के कारण यहाँ पे जो संख्या देखी गई है 3 गुना यहाँ पर संख्या बढ़ी है, लेकिन प्रशासन के जो जिम्मेदारों ने इसके ऊपर इतना गौर नहीं किया, जिसके कारण तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।